कमलनाथ का बीजेपी पर आरोप, पुलिस प्रशासन की मदद से बांटे जा रहे हैं पैसे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी पर उपचुनाव में प्रशासन की मदद से पैसे बांटने का आरोप लगाया है। कमलनाथ का कहना है कि पुलिस प्रशासन की मदद से पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन वोटर बिकाऊ नहीं है। हमने फायरिंग वाली दो जगहों पर चुनाव आयोग से फिर से मतदान कराने को कहा है। ये सभी घटनाएं बीजेपी की निराशा को दिखाती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 दिनों में सब चीजों का प्रयोग किया, प्रशासन का, पुलिस का, पैसों का, शराब का। मुझे जगह जगह से सूचनाएं आई किस प्रकार पैसा बांटा जा रहा है। कहीं तो प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर पैसा बांटा जा रहा था, पर मतदाता बिकाऊ नहीं है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोग के नेता बिकाऊ थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि मध्य प्रदेश के मतदाता बिकाऊ नहीं है। दो जगह हमने चुनाव आयोग से मांग करी है रिपोलिंग की, मेगांव और सुमावली में। सुमावली में तो गोली चली और मुरैना में भी मुझे खबर है कि शाम को गोली चली है। तो ये सब की क्या आवश्यकता थी? ये साफ स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बौखलाई हुई है। स्पेशल डेस्क टीवी इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।